हमारे साथ हैं देवेंद्र यादव जी, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया साहब से यहाँ मिलने के लिए आए हैं। देवेंद्र जी, 35 विधायक यहाँ आना, तो ये लामबंदी किस बात की चल रही है? देखिए, कोई लामबंदी नहीं है। यहाँ पर लगभग हम लोग 55 विधायक साथी आए हुए हैं और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल जी के कार्यकर्ता हैं, और हम सब हमारे जो स्थिति है प्रदेश की, जो चीज़ें चल रही है पिछले 2.5 सालों में, सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर स्टेप्स लिए, वो सारे पॉइंट्स को लेकर हम लोग हमारे प्रभारी जी से मिलने आए हुए हैं। और ये इस तरीके की जो एक भ्रम जैसा फैलाया जा रहा है कि कोई विषय है जिसको लेकर विधायक हैं, तो ऐसी बात नहीं है। विपक्ष का काम है और हम लोग हमारे पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और सभी लोग पार्टी में पूरी अनुशासनता से काम करते हैं और हम लोग सब लोग अपने नेतृत्व से चर्चा करने आए। यानी आप लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बदला जाए, भूपेश बघेल ही बने रहे? देखिए, ऐसा है, जो विषय है वो सारे विषय हम आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं और इस पर मैं आपसे बात नहीं कर सकता। फिर भी जो 2.5-2.5 साल में रोटेशन की चर्चा है कि इनको हटाया जाए, टीएस बाबा क्या मांग कर रहे हैं सबको पता है, उसको लेकर के कोई तो राय रखी होगी आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो आलाकमान करता है और जो आलाकमान का निर्णय रहेगा, पार्टी का निर्णय रहेगा, उसको हम लोग, वो सर्वमान्य होता है और हम लोग पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आलाकमान से अपनी बातें रखने आए हैं। बस एक आखिरी सवाल है, ये परसेप्शन है कि इतने लोगों का यहाँ पर आना, ये आप लोग इस भूपेश बघेल के पक्ष में आए कि उनको ना बदला जाए, इस पर कुछ स्पष्टीकरण दें? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया, चूंकि हम लोग पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब राहुल जी के सिपाही हैं, हम लोग कांग्रेस के ईमानदार साथी हैं, तो हम लोग पार्टी के विषय पार्टी लाइन में ही कर इस बाबत कोई फैसला हुआ तो देखिए हम पार्टी लाइन में बात करेंगे अपनी करने के लिए। देवेंद्र यादव, जिनका कहना है कि जो भी पार्टी तय करेगी उसके मुताबिक ही विधायक उसको फॉलो करेंगे, यहाँ पर अपनी कुछ बातें हैं जिसको लेकर के प्रभारी के पास आए हैं, पीएल पुनिया के पास। तकरीबन 55 विधायक अभी पीएल पुनिया से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।